नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं शिक्षा शास्त्र ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर वन ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं ठीक है तो वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ करने के समय को उपनयन संस्कार कहा जाता था यानी कि जब बालक शिक्षा प्रारंभ करता था उसी समय को हम उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं इसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं ठीक है आगे दिया हुआ है उपनयन एक क्या है धार्मिक संस्कार है ठीक है उपनयन एक धार्मिक संस्कार है उपनयन के बाद ही बालक ब्रह्मचारी बनता था और गुरुकुलों में प्रवेश करता था उपनयन के समय बालक की आयु ब्राह्मण के लिए आठ वर्ष और क्षत्रिय के लिए ग्यारह वर्ष और वैश्य के लिए बारह वर्ष निर्धारित की गई थी ठीक है तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारा हेडिंग है समावर्तन संस्कार ठीक है तो ये क्या है ये हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण संस्कार है प्राचीन काल में गुरुओं से शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरुकुल से विदाई के समय गुरु द्वारा उपदेश दिया जाता था इसी को हम क्या बोलते हैं उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है इसी के लिए उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है और इस संस्कार का एक महत्वपूर्ण अंग स्नान था ब्रह्मचारी अपने अध्ययन को समाप्त करने पर ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसने विद्या की सागर को पार कर लिया है ठीक है तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक तीन ठीक है वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पर प्रकाश डालिए ठीक है।, है तो यहाँ पर है वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध बहुत ही पवित्र और मधुर होते थे ठीक है विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे और गुरु शिष्य का पुत्रवत पालन करते थे यानी कि गुरु जो है शिष्य को अपने पुत्रों की तरह पालते थे अपने शिष्य को अपने ही परिवार का सदस्य मानते थे उसके बाद शिष्य गुरु से नीचे आसन पर बैठते तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा है यहाँ पे दिया है वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी तो वैदिक काल में विद्यार्थी की दिनचर्या तो यहाँ पे हमने हेडिंग बनाई है उसके बाद लिखते हैं पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है सुबह जल्दी उठना तथा नित्य क्रिया से निवृत्त होना उसके बाद दूसरी दिनचर्या में गुरु के स्नान के लिए पानी लाना तथा हवन के लिए लकड़ियाँ एकत्र करना आश्रम की सफाई करना और अध्ययन करना उसके बाद दोपहर के समय समीप के गांव में भिक्षा मांगना और भोजन एवं विश्राम करना ठीक है तो ये दिनचर्या हैं सिक्स यहाँ पे दी हुई हैं उसके बाद है यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए ठीक है थीके? तो उद्देश्य यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं ठीक है थीके? वैदिक काल शिक्षा के उद्देश्य पहला उद्देश्य अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था ठीक है उसके बाद क्या किया जाता था साथ ही रुचि एवं योग्यता का ध्यान दिया जाता था ठीक है उसके बाद शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था ठीक है और प्राचीन काल में व्यक्ति शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है छठवा गुरुकुल प्रथा की प्रमुख विशेषताएं लिखी है अथवा प्राचीन काल यहाँ पे काल है प्राचीन काल शिक्षा की विशेषताएं लिखी है ठीक है तो प्राचीन काल में शिक्षा की कौन कौन विशेषताएं थी तो पहली विशेषता है गुरु के यहाँ जाकर 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा लेना ठीक है गुरु की सेवा करना तथा ब्रह्मचर्य से जीवन बिताना पड़ता था उसके बाद है जीवन का एकमात्र उद्देश्य जीवन में काम आने वाली शिक्षा लेना उसके बाद विद्या ग्रहण करने में कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था और माता पिता से कोई संपर्क नहीं रहता था शिक्षा के दौरान ठीक है और छठवीं यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है गुरुकुल प्रथा में गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान होता था ठीक है और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो भारत सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी ऑल चैप्टर की यानी कि सभी चैप्टरों की ठीक है से प्ले स्टोर से जा करके भारत सिंह लेक्चर्स ऐप को डाउनलोड कर लें थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो